वजीर आला हाउस कराची में वे वजीर सैयद मुराद अली शाह की मेजबानी हेठ थियल कराची कोआर्डिनेशन कमेटी के इजलास में वफाकी वजीर असद उमर, वफाकी वजीर अमीनुल हक, बीटीआई एमएनए नजीब हारून, सूबाई वजीर सईद गनी, नासिर शाह, मुर्तजा वहाब समेत एनडीए में अख्तियारन बिन शिरकत कई। इजलास बाद वे वजीर सैयद मुराद अली शाह, वफाकी वजीर असद उमर बिन गडल प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। वे वजीर सैयद मुराद अली शाह तो इजलास दौरान महमूदाबाद नाले तां हटायल हद दखल समेत शहर में जारी तरक्याती रिथाउन जो जायजो वरतो वियो। सण चवणो त महमूदाबाद नाले का पोए गुजर ओरंगी नाले तां हद दखलियूं हटाई वेंदी। महमूदाबाद गुजर और रंगी नाला इसके हम पहले काम शुरू करेंगे। उसके साथ साथ उनकी जो डिलीवरीज है यानी जो उसको फीड करती है उनको भी हम देखेंगे कि उनके प्रोटोकॉल्स हैं या उनमें गुजराई बनाने की अगर कोई जरूरत है। वफाकी वजीर असद उमर बेटन बाबत पुछल सवाल के जवाब में चयो तो वफाक रुगो बेटन बाबत ऑर्डिनेंस जारी कयो हो, बेटन ते फौज न अची रही हुई। उन मामले ते वफाक ए सूबाई सरकार के गर्जी वेहन घुर्जे। वफाकी वजीर असद उमर अस्पतालन बाबत गलाइंदे चयो तो अस्पतालन जो कंट्रोल संभालन वफाकी मामलो नाहे, उन बाबत सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते अमल कयो वञे। संदर चवणो अञा भी वक्त आए को भी रस्तो कढ़ी सकजे थो। असद उमर चयो तो आदमशुमारी ते रुगो सिंध न पर बिन सूबन के भी एतराज आन, कराची के हर आदमशुमारी ते एतराज रहा है, उन बाबत कमेटी सिफारिश कंदी। ऊपर बिल्कुल सही बात है कि इसके ऊपर तहफुजात जो हैं वो सिंध में भी थी, बलूचिस्तान में भी थी और खैबर पख्तूनख्वा में भी थी। कम से कम तीन सूबों के अंदर तो इसके ऊपर तहफुजात आई थी। ये जो जज़ायर वाला मामला है आपको पता है इसके ऊपर सिंध हुकूमत और वफाक दोनों का एक अलग अलग मौकफ है। हमने मुतअद्दद बार यही कहा था कि बेहतरीन तरीका यही है कि वफाक और सूबा साथ बैठें और साथ बैठकर ऐसा कोई तरीक़ेकार निकालें जिससे शहर के अंदर सरमायाकारी भी हो सके, यहाँ रोजगार भी पैदा हो और कोई तहफात भी पैदा ना हो। अस्पतालों वाला मामला ये वफाकी हुकूमत नहीं कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आज जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी के इश्यूज जो हैं सिर्फ उसके ऊपर हमने कहा था बात करेंगे, कोई झूठ भी नहीं बोला गया। मैं उसको बड़ी तफसील से आज शाम को आपको इंशाल्लाह ताला बयान मिल जाएगा। कोई झूठ नहीं बोला गया, जो ऐलान हुआ था कि पहली सहमाई में इस साल की वैक्सीन आ जाएगी इंशाल्लाह बिल्कुल वैसा ही होगा। कोरोना वैक्सीन बाबत वफाकी वजीर असद उमर जो चवण हो तो वैक्सीन बाबत को भी कूड़ ना गलायो, वैक्सीन खरीदारी वो मामलो टिन महीनों ताई हल थी वो। वफाकी वजीर अमीनुल हक जो चवण हो तो शहर के मसलन जो हल थियण बेहतरीन अमल है पर फिलहाल आरजी हल है उनको मुस्तकिल हल बलदियाती नुमाइंदन वट है। कैमरामैन अली रजा जैदी से गड शबीर लाशारी, सिंध टीवी न्यूज़ कराची।